ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आज जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या होता है? तो जड़त्व हमने पढ़ा था, तो जड़त्व हमने कब पढ़ा था? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और यदि वो गतिशील है कोई वस्तु तो वो गतिशील रहेगी। कब तक स्थिर रहेगी या कब तक गतिशील रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक, तो जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो फिर उसकी अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन हो जाता है, और वो वस्तु क्या हो जाती है? फिर गत्यावस्था में आ जाती है, यानी कि वो गतिशील हो जाती है। तो वस्तु का वह गुण जो आरोपित बल का विरोध करता है, किसके लिए? अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन के लिए। तो यदि कोई वस्तु स्थिर है और इस पर हम क्या कर रहे हैं? बाह्य बल लगा रहे हैं, तो बाह्य बल लगाने पर इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, तो ये क्या करेगी? इस बाह्य बल का विरोध करेगी, यानी कि अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। तो वस्तु के इसी गुण को क्या बोलते हैं? जड़त्व। तो ठीक इसी तरह से यहां पर भी जड़त्व होता है, किसमें? घूर्णी गति में, और उस जड़त्व को क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। तो यहां पे हमने पढ़ा था न्यूटन की गति के प्रथम नियम में कि जो द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान क्या होता है? जड़त्व की माप होती है। तो जड़त्व की माप क्या होती है? तो जड़त्व की माप किसको बोलते हैं? द्रव्यमान को। जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है उतना ज्यादा उसमें जड़त्व होता है। ठीक, तो यदि कोई वस्तु जो है घूर्णी गति कर रही है, जैसे कोई अक्ष है ये, ठीक, और इस अक्ष के से यहां पे मान लीजिए आर मीटर की दूरी है ये, और इस आर मीटर की दूरी पर यहां पे कोई कण है, कोई पिंड है, और वो क्या कर रहा है यहां पे? इस प्रकार से घूर्णी गति कर रहा है, रोटरी मोशन कर रहा है। ठीक, तो जब रोटरी मोशन कर रहा है तो इस वस्तु पे यदि हम क्या करते हैं? बाह्य बल आघूर्ण आरोपित करते हैं। तो इस पे क्या करते हैं हम? यहाँ पे बाह्य बल आघूर्ण आरोपित करते हैं, जिससे इसकी अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इस समय ये वस्तु या ये कण क्या करेगा? इस बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करेगा, यानी अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन को रोकने के लिए वो बाह्य बल का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो उस वस्तु की यह प्रवृत्ति, उस कण की यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाती है। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, घूर्णी गति में, रोटरी मोशन में, घूर्णी गति में, रोटरी मोशन में कोई पिंड अपनी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन हेतु लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है, तो उसकी इस प्रवृत्ति को उसके इस नेचर को उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? उसका जड़त्व आघूर्ण बोलेंगे। तो जो जड़त्व आघूर्ण होता है, ये जड़त्व आघूर्ण होता है कि इस पे हम क्या लगा रहे हैं? बाह्य बल आघूर्ण लगा रहे हैं, है ना? इस पे हम क्या लगा रहे हैं? यहां पे बाह्य बल आघूर्ण लगा रहे हैं। ठीक है, और इस वस्तु का क्या है? यहां पे द्रव्यमान है। जैसे यहां पे क्या था? वस्तु का क्या होता है? द्रव्यमान। तो वैसे ही यहां पे वस्तु का क्या होगा? द्रव्यमान। और वस्तु की
ठीक है, अक्ष से दूरी यहां पे लेंगे, तो वस्तु की या पिंड की अक्ष से दूरी, तो पिंड की जो अक्ष से दूरी होगी इसका यहां पे वर्ग कर देंगे। तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वस्तु की अक्ष से दूरी का वर्ग। तो ये इस जड़त्व आघूर्ण का सूत्र बन जाता है। तो जड़त्व आघूर्ण जो है ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती है। दूसरा, यदि इसका मात्रक देखेंगे एसआई मात्रक, तो इसमें क्या है, द्रव्यमान है, मास है, और इसमें दूरी का वर्ग यानी लंबाई का वर्ग हो जाएगा, और इसमें समय नहीं है, तो एम एल स्क्वायर टी नॉट यहां पे इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, सॉरी, ये विमीय सूत्र लिख दिया, एसआई मात्रक लिखना था अपने को। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर बोलेंगे। इसका जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, एम है ना, दूरी यानी लंबाई का वर्ग, और समय इसमें यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और समय इसमें यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर ये जड़त्व आघूर्ण यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेखीय गति में जो काम जड़त्व करता है, घूर्णी गति में वही काम कौन करता है, जड़त्व आघूर्ण करता है। तो बोल सकते हैं कि रेखीय गति में जो कार्य जड़त्व करता है यानी इनर्शिया करता है, घूर्णी गति में वही कार्य जड़त्व आघूर्ण करता है। ठीक, तो घूर्णी गति में वही कार्य कौन करता है, यहां पे जड़त्व आघूर्ण यहां पे करता है। तो यदि पिंड की अक्ष से दूरी बढ़ेगी, इस पिंड की अक्ष से यदि दूरी बढ़ जाएगी, ठीक, तो दूरी का वर्ग बढ़ जाएगा यहां पे, तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, यहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का मान जो है यदि ज्यादा होता है तो क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का मान यदि ज्यादा है ना, तो जड़त्व आघूर्ण हमने किसको बोला है कि वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जो बाह्य बल इसके ऊपर में, या बाह्य बल आघूर्ण जो इसके ऊपर में हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसका विरोध करता है। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं कि जो गाड़ी होती है, साइकिल होते हैं, उसके जो टायर होते हैं है ना, वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसमें क्या लगा होता है, ये स्पोक, और इसको क्या बोलते हो यहां पे, रिम। तो यहां पे जो द्रव्यमान स्थित होता है वो कहां पे होता है, रिम में होता है। तो हम कण किसको मानेंगे, यहां पे रिम को कण मानेंगे, जहां पे द्रव्यमान है। ठीक, और इसकी जो अक्ष से ये दूरी हो जाएगी है, तो यदि हम देखेंगे साइकिल के टायर स्पोक के द्वारा इस तरह से बनाए, बड़े बनाए जाते हैं, बैलगाड़ी वगैरह के है ना, वो देखे होंगे चक्के, वो भी इसी तरह से वहां पे भी लकड़ी के स्पोक जैसे बनाए जाते हैं और उसके बाद में उनको लगाया जाता है। तो बाहर की तरफ से कैसे होते हैं, वो मोटे रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका क्या रहता है, ये द्रव्यमान, और ये इसकी क्या हो जाती है, दूरी। तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कहां पर स्थित होता है, इसके रिम में होता है। ठीक है, तो ये जो भाग दिख रहा है जिसको रिम बोलते हैं, इसमें ये जड़त्व आघूर्ण होता है। तो इसके कारण क्या होगा, यदि जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है और आप साइकिल चला रहे हो, ठीक, तो इसमें कौन सी गति है, यहां पे घूर्णी गति है। अब यदि आप पैडल मारना बंद कर देते हो तो भी उसमें क्या है, गत्य अवस्था का जड़त्व है। ठीक है, तो वो अपनी उसी अवस्था में रहेगा,
अवस्था परिवर्तन मतलब रुकना, यदि कोई चीज चल रही है, कोई चीज चल रही है तो हम क्या बोलेंगे, वो कैसी अवस्था में, गत्य अवस्था में, ठीक है। तो इसमें गत्य अवस्था का जड़त्व होगा। अब इसकी अवस्था परिवर्तन होना मतलब क्या होगा, रुकना, तो ये अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो आप यदि पैडल मारना बंद भी कर देते हो तो उसी स्पीड से साइकिल कुछ समय तक चलती है, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है कि इसके टायरों में क्या है, जड़त्व है। तो जैसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं, है ना, बड़ी बड़ी मशीनों के शाफ्ट के ऊपर में, जो बड़ी मशीनें होती हैं उनके शाफ्ट के ऊपर में एक बड़ी सी भारी सी चक्की को लगाते हैं या व्हील को लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील। तो ये फ्लाई व्हील क्यों लगाते हैं कि जैसे ये मशीन है, इस मशीन को हम यहाँ पे पावर दिए हुए हैं, ठीक। तो ये मशीन जो है लोड को घुमा रही है, और यदि इसकी पावर कुछ समय के लिए हम बंद कर देंगे तो भी इसमें क्या संचित रहे, जड़त्व है, जड़त्वागुण है उसमें। तो यदि ये घूम रहा है तो उसी अवस्था में घूमते रहेगा, किसके कारण, जड़त्व के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे जड़त्व के कारण हम देखते हैं कि इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं कि मशीन की शाफ्ट पर फ्लाई व्हील क्यों लगाई जाती है, तो उसके जड़त्व को बढ़ाने के लिए, ठीक। साइकिल में जो रिम है उसको हम स्पोक से और एक्सिस के साथ में क्यों जोड़ते हैं, और इसका द्रव्यमान हम कहाँ पर रखते हैं, रिम पर रखते हैं, टायर पर रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, उसके जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सब इसके यहाँ पे उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण लिखिए, इसका उपयोग लिखिए, उसमें लिखिएगा जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाने के लिए, जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाने के लिए मशीनों के शाफ्ट पर फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील को हिंदी में बोलते हैं गतिपालक, गतिपालक, फ्लाईव्हील, है ना, हिंदी में। और यदि आप समझने के लगाओगे तो पहिया बोल सकते हो, पहिया लगाते हैं। तो फ्लाई व्हील को गतिपालक शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, या पहिया उसको बोलोगे, लगाते हैं। इससे इससे मशीन की ऊर्जा, मशीन को लिखना, मशीन को ऊर्जा न मिलने पर भी कुछ समय तक शाफ्ट, कुछ समय तक शाफ्ट एक समान गति पर, एक समान चाल पर घूमते रहता है, एक समान स्पीड पर, एक समान चाल पर घूमते रहता है, ठीक। दूसरा लिखिए, सेकंड, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, रिक्शा, साइकिल आदि के पहिए में अधिकांश द्रव्यमान, अधिकांश द्रव्यमान के पहिए में अधिकांश द्रव्यमान उसके रिम, उसके रिम, उसके रिम पर रहता है। रिम को हिंदी में क्या बोलते हैं, नेमी, रिम को बोलते हैं नेमी पर रहता है। इससे उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है, इससे उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। नेक्स्ट के, अधिक जड़त्व होने के कारण, अधिक जड़त्व होने के कारण ही
पृथ्वी अधिक जड़त्व होने के कारण ही पृथ्वी एक समान चाल से अपने अक्ष पर घूमती है, एक समान चाल से, एक समान चाल से अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक, अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे कोणीय वेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। तो कोणीय संवेग लिखो, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। यानी रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो कोणीय संवेग यहां पे क्या होता है? तो जो कोणीय संवेग होता है जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग, तो जो कोणीय संवेग है ये होता है जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग। ठीक, तो जैसे हमने देखा था रेखीय संवेग क्या होता है, तो रेखीय संवेग ये हमने पढ़ा था द्रव्यमान गुणित क्या होता है वेग, तो इसको क्या बोलते हैं रेखीय संवेग। ठीक है, तो यहां पे हम कौन सा वेग लेते हैं, रेखीय वेग लेते हैं। ठीक, तो जब हम रेखीय संवेग निकालते हैं तो हम कौन सा वेग लेते हैं, रेखीय वेग। तो जब हम कोणीय संवेग लेंगे तो हम कौन सा वेग लेंगे, कोणीय संवेग, है ना। तो जैसे कोई अक्ष है ये और इस अक्ष के चारों ओर कोई पिंड जो है वो घूर्णी गति कर रहा है, रोटरी मोशन यहाँ पे कर रहा है। तो जब रोटरी मोशन करेगा, घूर्णी गति करेगा, तो उसमें कौन सा वेग होगा, यहाँ पे कोणीय वेग यहाँ पे होगा। ठीक, और हमने देखा है कि इस पिंड में यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान होता है और इसकी अक्ष से दूरी यानी क्या होता है, इसका जड़त्व आघूर्ण होता है। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है, तो यहाँ पे द्रव्यमान इससे r दूरी पर स्थित होता है। ठीक, तो r दूरी पर स्थित होता है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण गुणित क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोणीय वेग, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोणीय संवेग बोलेंगे। ठीक है, तो कोणीय संवेग क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग यहाँ पे होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब कोणीय संवेग जो होता है, न्यूटन का दूसरा नियम पढ़े थे हम, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या था कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है, आरोपित बल के बराबर होती है। ठीक है, तो हमने न्यूटन के दूसरे नियम में क्या पढ़ा था कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर है ना, परिवर्तन बड़ा समय हो जाएगा, परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये पढ़े थे। तो ठीक उसी तरह से यहां पे देखेंगे कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर आरोपित बल आघूर्ण यहां पे आ जाएगा, है ना। यहां पे बल लेते हैं रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, और यहां पे हम क्या दे रहे हैं, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। तो यदि बोलेगा कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, क्या होती है, तो आरोपित बल आघूर्ण के अनुक्रमानुपाती होती है।
ठीक, तो ये कोणीय संवेग है, तो कोणीय संवेग के परिवर्तन की जो दर होगी वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, तो आरोपित बल आघूर्ण के अनुक्रमानुपाती यहाँ पे होगी। ठीक है, तो आरोपित जो बल आघूर्ण होता है इस बल आघूर्ण के ये अनुक्रमानुपाती होगी। तो यदि बोलेगा कोणीय संवेग में और बल आघूर्ण में क्या संबंध होता है, तो कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर आरोपित बल आघूर्ण के अनुक्रमानुपाती यहाँ पे होती है। तो कोणीय संवेग जो है, कोणीय संवेग बल के घूर्णी गति की माप है। ठीक है, तो कोणीय संवेग किसकी माप होती है, तो कोण संवेग बल के घूर्णी गति की माप होती है। इसके बाद में घूर्णन की गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, तो इसके बाद में इसको नोट कर लिए सब। तो इसके बाद में देखेंगे घूर्णन की गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा रोटरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जैसे देखते हैं रेखीय गतिज ऊर्जा, तो जो रेखीय गतिज ऊर्जा होती है इसको क्या बोलते हैं, हाफ mv2। ठीक, तो इसी तरह से घूर्णन की जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक, E यानी ऊर्जा हो गई, K यानी काइनेटिक हो गई, तो जो घूर्णन की गतिज ऊर्जा होती है ये भी होती है हाफ, ये होता है जड़त्व आघूर्ण, है ना। इसमें क्या होता है द्रव्यमान, तो यहाँ पे द्रव्यमान किसमें होता है, जड़त्व आघूर्ण में होता है। ठीक, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेते हैं रेखीय वेग का स्क्वायर और यहाँ पे क्या लेंगे कोणीय वेग का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये घूर्णन की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है कि घूर्णन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो जड़त्व आघूर्ण पे। ठीक है, आई क्या है यहाँ पे, ये जड़त्व आघूर्ण है, तो जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करती है ये, और कोणीय वेग है ये, तो कोणीय वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यदि बोलता है कि आघूर्ण को खालिस्तान कहते हैं, ठीक है, तो कोणीय वेग के आघूर्ण को क्या बोलते हैं, तो यहां पे हम देखेंगे कि कोणीय वेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं, तो जैसे देखिए कोणीय वेग जो है ये, ठीक, इस कोणीय वेग के आघूर्ण को, कोणीय वेग का आघूर्ण है ये, तो कोणीय वेग के आघूर्ण को क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो यदि बोलेगा कोणीय वेग के आघूर्ण को क्या बोलते हैं, तो कोणीय संवेग बोलते हैं। तो कोणीय वेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग बोलेंगे। अब यदि दिया हुआ है यहां पे कि घूमती हुई व्हील के अक्ष के पास एक टुकड़ा, एक टुकड़ा बोल सकते हैं, पत्थर
टुकड़ा पड़ा है, पत्थर या लोहा भी लिख सकते हो, ज्यादा भारी हो जाएगा, लोहा लिख देते हैं, ठीक है। एक लोहे का टुकड़ा पड़ा है, यदि इस टुकड़े को परिधि की ओर सरकाएं तो घूर्णी गति पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तो उसकी जो घूर्णी गति है उस पर वहां पे क्या प्रभाव वहां पे होगा। तो यदि हम देखेंगे कि जो चक्ती है, जो व्हील है, वो क्या कर रही है, अभी यहां पे घूम रही है ना, अभी क्या कर रही है, वो यहां पे घूम रही है, टुकड़ा यहां पे पड़ा है और उसको हम कहां पे ले जा रहे हैं, परिधि की ओर लेके जा रहे हैं। तो जब हम परिधि की ओर लेके जाएंगे तो हम किसको बढ़ा दे रहे हैं, उसके, तो उसके हम जड़त्व आघूर्ण को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण जो है उसका मान क्या होगा, वहां पे बढ़ जाएगा। तो यहां पे देखेंगे कि जड़त्व आघूर्ण यदि बढ़ता है तो कोणीय वेग पर उसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो जैसे देखेंगे कि जो जड़त्व आघूर्ण है ना, यदि वो बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो रेखीय संवेग होता है, ये रेखीय संवेग हमने पढ़ा था कैसा होता है, संरक्षित होता है, कंजर्व होता है, याद आ रहा है, रेखीय संवेग कैसा होता है, संरक्षित होता है, संरक्षित यानी कि वो कंजर्व होता है, पढ़े थे ना रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, पढ़े थे रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, पढ़े थे ना कि रेखीय संवेग कैसा होता है, संरक्षित होता है ना, बताया था रॉकेट नोदन जो होता है इसी के सिद्धांत पे होता है। तो रेखीय संवेग जो होता है ये संरक्षित होता है, ठीक। उसी तरह से ये कोणीय संवेग भी कैसा होता है, संरक्षित होता है। तो कोणीय संवेग क्या है, संरक्षित है, कंजर्व है। तो यदि ये संरक्षित है, कंजर्व है, तो यदि यहाँ पे जो जड़त्व आघूर्ण है इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, तो उसकी घूर्णी गति क्या होगी, वहां पे घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ना, जहां लिखे हो ना कोणीय संवेग उसी के नीचे लिख लो, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों कंजर्व होते हैं, संरक्षित होते हैं। रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों कंजर्व होते हैं, संरक्षित होते हैं, ठीक। तो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में यदि हम देखेंगे कि जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है, ठीक है, और जो हमारा कोणीय वेग होता है, तो यदि हमारा कोणीय वेग और जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है इन दोनों का गुणनफल क्या आता है, कोणीय संवेग। तो यदि हमारा कोणीय संवेग कैसा है, संरक्षित है, कंजर्व है ये, और यदि हम यहां पे इसका क्या बढ़ा देते हैं, जड़त्व आघूर्ण बढ़ा देते हैं, तो फिर इसका जो कोणीय वेग है वो घट जाएगा, तो उसकी जो घूर्णी गति है वो क्या हो जाएगी, वहां पे घट जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहां पे, उसकी घूर्णी गति जो होगी वो घट जाएगी, ठीक। तो उसी घूर्णी गति क्या होगी, वहां पे घट जाएगी। ठीक। अब इसी तरह से जैसे यदि देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है यहां पे, और व्यक्ति हाथों में ऐसा भार को फैलाया है, ऐसा भार को पकड़ा हुआ है ऐसे, और ऐसे घूम रहा है वो,
ऐसा क्या कर रहा है, ये इस अक्ष पे क्या कर रहा है, वो ऐसा घूर्णी गति कर रहा है, घूम रहा है। और यदि अपने हाथों को ऐसे समीप ले आएगा, बॉडी के पास ले आएगा, तो क्या होगा, तो जब ये घूम रहा है तो यहां पे इसका अक्ष होगा ये, ठीक। तो यहां से अक्ष से दूरी होगी ये, तो अक्ष से दूरी, ठीक है, उसका वर्ग ले लोगे, और इसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान और अक्ष से दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, इसका जड़त्व गुण हो जाएगा। अब यदि हाथों को क्या करता है, ये मोड़ लेता है ऐसा, तो भार यहां पे आ जाएंगे। तो जब भार यहां पे आ जाएंगे तो हमने क्या कर दिया, दूरी को कम कर दिया, तो जड़त्व गुण क्या हो जाएगा, कम। तो यदि जड़त्व गुण कम होगा, ठीक है, ये कंजर्व है, तो कोणीय वेग क्या होगा उसका, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें यदि बोलता है कि हाथों में भार लेकर, हाथों में भार ऐसे लिखते नहीं तो, भार हाथों में रखकर घूर्णी गति के दौरान हाथों को फैलाकर रखता है, जब वह हाथों को अंदर सिकुड़ेगा या सिकुड़ेगा तो उसकी कोणीय चाल या कोणीय वेग लिख सकते हो, कोणीय वेग लिख लो, कोणीय वेग क्या होगा। तो जब वो हाथों को अंदर सिकोड़ेगा तो उसका कोणीय वेग वहां पे क्या होगा, तो हमको पता है, ठीक है, कि जब वो हाथों को अंदर सिकोड़ेगा तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने जड़त्व आघूर्ण को घटा रहा है, तो उसका जो कोणीय वेग है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा कोणीय वेग बढ़ेगा, ठीक है। या बोलेगा कोई नृत्यकी होते हैं ना, डांस वगैरह करते हैं, देखो ना कत्थक भरतनाट्यम वगैरह से घूमते हैं हाथ को, और हाथ फिर ऐसे कर लेते हैं, देखो नहीं, तो हाथ को अंदर करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका कोणीय वेग कोणीय चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन वहां पे आपको पूछ सकता है।